तो एक दिन भिडुकी के अंदर फिर से चौबीस की पंचायत बुलाई जाती है। संयोग से मेहरबानों हमें भी उस पंचायत में इनवाइट किया गया और मैं भी अपने गुरु जयकरण जी को लेकर के वहां मौके पर पहुंच गया। सभी अपनी अपनी बात रख रहे थे। हमारे गुरु जी से कहा गया कि मास्टर जी आप भी इस पंचायत में दो हरफ बोलकर हमें कृतार्थ करें। तो इतने बड़े पंच या नेता तो मेरे गुरु जी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब ही हाथ जोड़कर 10 मिनट का टाइम लिया और एक भजन लिख करके मेरे हवाले कर दिया और पंचों से कह दिया कि जो मुझे बोलना है वो आपको ये धर्मी तौर सुनाएगा। तो मेहरबान उस मौके की बात गुरु जी ने क्या लिख के दिया, हाथों हाथ सुनने की बात है। बंदे तू गलत विचार करे ना, जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना रे हो। जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना। मोह माया में फंस के बंदे गलत विचार करे ना, फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे। बहुत बढ़िया भाई। लालच में फंसकर ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरी सास माँ, उस ऊपर वाले को भूल जाता है। किस तरह पहली कली में गुरु जी ने क्या लिख दिया, परमपिता में स्वर में तेरा अब बिल्कुल ध्यान नहीं से, मन मंदिर को रे मन मंदिर को साफ करे बिन मिलता ज्ञान नहीं सैर हो। मन मंदिर को साफ करे बिन मिलता ज्ञान नहीं सैर। जिस कमरे की तू करे सजावट तेरा मकान नहीं से, तन दौलत धरती रे माया धरती जोड़ जोड़ कोई तेरा सामान नहीं सैर। तन दौलत धरती जोड़ जोड़ कोई तेरा सामान नहीं सैर। वो मानस विद्वान नहीं जो हो सत्संगार करे ना, फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे फिर से बाहर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मेहरबान दूसरी कली में लिख दिया कि तू कितना खूबसूरत हष्ट पुष्ट अच्छे कपड़े पहनता, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, लेकिन उस भगवान के भजन के बिन जो गंध है वो सारी तेरे शरीर में लगी हुई है, किस तरह भला।
काला अनूर हुया डोले ते हेरे अपनी हेरे अपनी तू तो अपनी गंदी आदत से मजे है बूर हुया डोले से रहो अपनी गंदी आदत से मजे बूर हुया डोले से मोह माया मद मस्ती के मैं है चूर हुया डोले से हेरे जो करता रखवाले उसी ते है दूर हुया डोले से रहो जो करता रखवाले उसी से दूर हुया डोले से ओ बिना सहुरा हुया डोले तू गुरु ते प्यार करे ना बंदे गलत विचार करे ना फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना रे ओ जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना क्या बात है मस्ती दे तीसरी बात में गुरु जी ने लिख दिया पंचों को अच्छी तरह से समझा करके मेहरबान हो एक बाल्मीकि था जो पहले से राक्षस था लेकिन जब भगवान के यहां से उसके बुरे वक्त का खत्म होने का तकाजा आया खुद भगवान ने उसे दर्शन दिए बाल्मीकि का क्या काम था वो इस कली में बताऊंगा आगे सुनिए किस तरह लिखा गुरु जी ने भारी जुलम गुजारे हेर लाखों साधुर लाखों साधु घेर घेर के बियाबान में मारे रहो लाखों साधु घेर घेर के बियाबान में मारे आज जागर को पे पूजे लियो न्यू रो रो संत पुकारे अरे कितने साथी तेरे पाप में मासा भी जो खारे रहो कितने साथी तेरे पाप में मासा भी जो खारे ओ न्यारे हो मेहरबान हो उसके घर वालों ने जब वाल्मीकि ने ये पूछा अपने घर वालों से कि भाई मैं रोज आदमी मार के लाता हूँ और तुम साथी तो खाते हो से तो तुम मेरे पाप में साजी हो या नहीं तो एकदम से मैंने कर दिया तू जाने तेरा काम जाने हम पाप पाप में ना पेट भर जा हमारा किस तरह वाला हो न्यारे हो गए हमें पाप का तू हकदार करे ना हेरे जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना रे हो जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे मेहरबान चौथी कली में गुरु जी ने लिख दिया कि भाई पंचो ये बात तो रही इस बच्चे के ऊपर उस महावीर के ऊपर कि पहले तो वाल्मीकि भी राक्षस था यदि आज ये पंचायत इस बच्चे पर दया करे और इसे समझाए तो वाल्मीकि जैसा राक्षस अमर होगा इस दुनिया में तो ये तो नादान बालक है
जिसको भी शायद सदबुद्धि आ सकती है। और आखिर मैंने लिख दिया कि जब इंसान लोभ में फंस के पाप तो कर देता है, लेकिन उसका अंत किस तरह का होता सुनने की बात है। बंदे ए पड़ा थूक सट केगा ए रजिन को, ए रजिन को यार बतावे उनके दर्शन को भटके दार हो दिन को यार बतावे उनके दर्शन को भटकेगा। टूटी खाटे कमर मुड़ जा सर नीचे न लटकेगा कविता का छंद जे किरण सबके दिल खटके गार हो शुद्ध कविता का छंद जे किरण सबके दिल खटके गार हो अटके गा तेरा बोले घमंड तू ओ धर्मी तवरे करे ना हेरे जिसने दुनिया रत राखी उसे दिल से बाहर करे दिल से बाहर करे ना मोहबाया में फस गए बंदे घर में चार करे ना फिर जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना हो जिसने दुनिया रच राखी उसे दिल से बाहर करे ना।